दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर अमन। हमेशा दिव्यांगता के बारे में आपको अपडेट देते हैं दोस्तों। जो कि आपके क्वेश्चंस हैं, हम उनकी क्वेश्चंस की क्वेरीज को आप क्लियर करते हैं। अभी जैसे हमारे पास क्वेश्चन आया युवराज जी का, जो कह रहे हैं कि उनका यूडीआईडी कार्ड एप्लीकेशन 75 दिन से एक जगह पर अटका हुआ है, स्टेटस में शो कर रहा है कि मेडिकल असेसमेंट के लिए। तो देखिए, आपको उन्होंने हॉस्पिटल बुलाया है असेसमेंट के लिए, आप अपना मेडिकल चेकअप के लिए बुलाया गया है, आप 75 दिन से वेट कर रहे हैं यूडीआईडी कार्ड जनरेट होने का। जबकि यूडीआईडी कार्ड जनरेट नहीं होगा, आपको जाना होगा हॉस्पिटल और अपनी असेसमेंट करवानी होगी। बिना असेसमेंट करवाए आपका यूडीआईडी कार्ड दिव्यांग सर्टिफिकेट नहीं बन पाएगा और ना ही आपको उसका कोई बेनिफिट मिल पाएगा। सिर्फ आपकी एप्लीकेशन लॉगिन हुई है और लॉगिन होने के बाद आपको असेसमेंट के लिए जाना होता है, आपको सर्टिफिकेट अपना बनवाने के लिए कि आपकी डिसेबिलिटी कौन सी है और इस डिसेबिलिटी में कितने परसेंटेज आपको मिला है और ये कौन से RPW एक्ट 2016 के अधीन आती है। तो इन सब की असेसमेंट के लिए आपको एक बार हॉस्पिटल विज़िट करना होगा, अपने नियर बाय सिविल हॉस्पिटल, सिविल सर्जन हॉस्पिटल, मेडिकल हॉस्पिटल में आप जाके विज़िट कीजिए और अपने उसमें असेसमेंट को वेरीफाई करवाइए, नहीं तो आपकी एप्लीकेशन 90 दिन के बाद कैंसिल हो सकती है। तो इसको ध्यान में रखते हुए आप अपनी असेसमेंट जरूर करवाएं और अगर इससे रिलेटेड और भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से अपॉइंटमेंट लेके कॉल कर सकते हैं और इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेठू जी का, जो कह रहे हैं कि उन्होंने यूडीआईडी कार्ड ऑनलाइन अप्लाई किया था और मेडिकल असेसमेंट के लिए वो सिविल हॉस्पिटल गए थे, CMO हॉस्पिटल से भी उनका वेरीफाई हो गया है। तो पूछ रहे हैं कि वो कितने दिन में, देखिए मैक्सिमम 90 दिन लगते हैं यूडीआईडी कार्ड जनरेट होने में। अगर आपकी असेसमेंट हो चुकी है तो आपको 90 दिन के अंदर अंदर यूडीआईडी कार्ड जनरेट होकर मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता तो आप एक बार फिर से सिविल हॉस्पिटल जाइए और अपना यूडीआईडी कार्ड की जो एप्लीकेशन है वो उनको दिखाइए और अपना जो मेडिकल असेसमेंट है वो भी उनको चेक करवाइए कि मेरी असेसमेंट हो चुकी है, अभी तक इसको ऑनलाइन क्यों नहीं किया गया। और मोस्टली अभी तो जो प्रॉब्लम है हमारी वेबसाइट अपडेशन पे है, क्योंकि हमारी वेबसाइट अपडेट नहीं हो पा रही है और जो भी अपडेट होती है वो 9 बजे से लेकर 10 बजे तक चलती है, जिसकी वजह से काफ़ी एप्लीकेशंस पेंडिंग में जा रही हैं और प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अगर आपको ऐसा कुछ नज़र आता है कि आपकी एप्लीकेशन स्टेटस काफ़ी दिनों से एक ही शो कर रहा है तो आप उसका एक स्क्रीनशॉट मेरे को मेरे व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। इससे रिलेटेड आप मेरे को अपना अपॉइंटमेंट लेके क्वेश्चन है लोकेश जी का, जो कि न्यू यूडीआईडी कार्ड एप्लीकेशन डाल रहे हैं और इसमें उनका मेन क्वेश्चन है कि क्या शादी के बाद उनके हस्बैंड का कार्ड पे यूडीआईडी कार्ड में नाम आएगा क्या नहीं आएगा उनकी मिसेस का। तो देखिए, जैसे कि वो यूडीआईडी कार्ड जनरेट कर रहे हैं तो अगर वो अपनी वाइफ का कर रहे हैं तो अंडर गाइडेंस में गार्जियंस में उनके हस्बैंड का नाम आएगा और जहाँ पे फादर नेम है वहाँ पे उनके फादर नेम आएगा। अगर आधार कार्ड पे आपके हस्बैंड का नाम है और आपके हस्बैंड का नाम है तो आप अपने हस्बैंड का नाम अपडेट करेंगे तो अंडर गार्जियन में नहीं आएगा। अगर आपके आधार कार्ड में फादर नेम है फिर आपके हस्बैंड का नाम अंडर गार्जियन में वहाँ पे आएगा आपके हस्बैंड का नाम, तो आपका अपडेट होगा यूडीआईडी कार्ड और एप्लीकेशन लॉगिन होगा। आप इस चीज़ को ध्यान रखिए कि आपका यूडीआईडी कार्ड तभी जनरेट होगा जो आधार कार्ड में जो इन्फॉर्मेशन होती हैं वही अपडेट होती हैं, उसके अलावा अदर कोई इन्फॉर्मेशन अपडेट नहीं होती है। अगर इसके अलावा आप कोई ऑपरेशन डालते हैं तब ऑनलाइन जब चेक किया जाता है तो वो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है क्योंकि वो सेम मैच नहीं करता है। तो ऑनलाइन आधार कार्ड भी आपका चेक होता है, इससे रिलेटेड है कि आप अगर अपने हस्बैंड का नाम डालना चाहते हैं तो अंडर गार्जियन में डाल दीजिए ताकि वो आपकी देख रेख के लिए, अगर आधार कार्ड में अपडेट है तो अपडेट में ही आप डालिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी विशाल जी का, विशाल जी कह रहे हैं कि मैम हमारा नेक्स्ट जो टेम्परेरी सर्टिफिकेट है क्या उसमें जॉब के लिए प्रॉब्लम आती है। हाँ जी विशाल जी, जिनका टेम्परेरी सर्टिफिकेट है अगर उनकी डिसेबिलिटी परमानेंट क्राइटेरिया नहीं डिजर्व करती तो उसमें प्रॉब्लम आती है और वो आपका कैंसिल हो सकता है जॉब का फॉर्म। अगर आपकी डिसेबिलिटी परमानेंट में आती है तो फिर आपका वो जो सर्टिफिकेट है वो कैंसिल नहीं होगा, और टेम्परेरी डिसेबिलिटी अगर वो डिसेबिलिटी आगे बढ़ने के चांस है यानी कि वो परमानेंट होने के चांस है तो आप उसके लिए जॉब के लिए एप्लीकेशन डाल सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं, उस जॉब के लिए आप अप्लीवल हैं। और वो डिसेबिलिटी टेम्परेरी कितनी है इसके बारे में उसमें स्पेशली मेंशन किया जाता है। मैंने आपको पहले भी एक क्वेश्चन बता चुका और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इससे बहुत ही रिलेटेड है कि
हम लो विज़न और ब्लाइंड के ऊपर काफ़ी वीडियो बना चुके हैं कि लो विज़न में कितने बेनिफिट्स मिलते हैं और ब्लाइंडनेस को कितना है। और रेलवे का एक अपना सिस्टम है जिसने 100% ब्लाइंड को ही बेनिफिट दिया है, ना कि 100 से नीचे अगर आपका 98 भी होगा, 94 भी होगा या 90% भी होगा, तब भी वो आपको कंसेशन नहीं दे रहा, क्योंकि वो उसके अपने रूल और रेगुलेशन है, वो 100% पे दे रहा है। RPW एक्ट के अकॉर्डिंग भी उन्होंने ये अपना मेमोरेंडम रखा हुआ है कि 100% ब्लाइंड को ही हम देंगे, उसके साथ में 1% को कंसेशन मिलेगा। लेकिन जिनका 90% है या लो विज़न है या पार्शली ब्लाइंड है या टेम्परेली ब्लाइंड है, उनको ये कंसेशन नहीं दिया जा रहा रेलवे की तरफ से। ये काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन है और काफ़ी जनों की क्वेरीज हैं, इस चीज़ को आप ध्यान में रखिए कि टेम्परेली डिसेबिलिटी होगी या परमानेंट डिसेबिलिटी होगी, लेकिन अगर ब्लाइंड है तो ब्लाइंड के लिए 100% वालों को ही बेनिफिट मिलता है। रेलवे वालों ने 100% वालों को ही बेनिफिट दिया है और रेलवे कंसेशन सिर्फ 100% को ही मिलेगा, अदरवाइज किसी को नहीं, ना लो विज़न को मिलेगा ना पार्शली ब्लाइंड। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो काफ़ी है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में होता है कि आपके मसल धीरे धीरे काम करना बंद कर देते हैं और आपके धीरे धीरे नेक होल्डिंग तक या नेक होल्डिंग भी आपकी ख़त्म हो जाती है, पैरों से लेकर शुरू होती है और धीरे धीरे आपकी पूरी बॉडी ख़त्म हो जाती है। इसमें मस्कुलर डिस्ट्रॉफी आती है कि जिसमें आपके ऑर्गन्स और आपकी बॉडी के पार्ट काम करना बंद कर देते हैं, पैरों से लेकर सर तक। जब आपकी गर्दन संभालनी भी नहीं जाती तब ये मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का पूरा 100% केस हो जाता है। अगर आपका लोकोमोटर है, आपके सिर्फ पैरों में प्रॉब्लम है या हाथ में प्रॉब्लम है, वन साइड प्रॉब्लम है, तो वो लोकोमोटर में आती है। अगर आपका नेक होल्डिंग नहीं हो रहा है तो उसमें शोल्डर्स के आपके स्टिफ नहीं है तो उसमें आपको बता दें कि आपका या तो सेरेब्रल पाल्सी केस बनेगा, वो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी नहीं बनेगा। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी पैरों से शुरू होता है और धीरे धीरे आपकी बॉडी बिल्कुल काम करना बंद कर देती है और धीरे धीरे बेड पे आ जाती है। तो इसीलिए जिनको भी ये क्वेश्चन था, उन्होंने अपना नाम तो नहीं लिखा ना ही अपना एरिया लिखा कि वो कहाँ से बोल रहे हैं, तो मैंने पहले भी आपको कहा है कि आप जहाँ कहीं से भी बोलते हैं, अब जहाँ कहीं से भी आप क्वेश्चन लिखना, प्लीज़ अपना एरिया और उसके बारे में अपना नाम और नाम जरूर लिखें और डिसेबिलिटी जरूर लिखें कि आप कौन सी डिसेबिलिटी में किया गया है। तो इससे रिलेटेड अगर कोई और भी जानकारी आपको चाहिए तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, आप हमें लेके कॉल कर सकते हैं। और इसमें आपको ज़्यादा नहीं है, सिर्फ अपना मैं अपना व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे देती हूँ और अपना कॉन्टेक्ट नंबर भी देती हूँ जिससे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही डॉक्टर मैं धन्यवाद।